इसके नीचे नदी बह रही है। और ये नदी कौन सी है ये देखो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। कुदरत का वो करिश्मा है, वो गर्म पानी अपने आप ही है, वो गर्म नहीं किया जाता। तो वहाँ भी देखेंगे कि कैसा है क्या है। एकदम ज़बरदस्त पॉइंट है ये। चलिए मार्केट में चलेंगे अभी। खूबसूरत सा मंदिर मिला है लकड़ी का, प्राचीन श्री राम मंदिर। ये ऐसा कुछ यहाँ से आपको दृश्य मिलेगा देखने का। सामने आपको ऊपर मिलेंगे पहाड़ और पहाड़ों के साथ आपको मिलेगा ये प्राचीन राम मंदिर। कहता हूँ गर्म ये आ रहा है यहाँ। ये सारा जो है लंगर हॉल है, तो क्राउड ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं एक और नई जगह और देखते हैं नज़ारा इस जगह का। एकदम ज़बरदस्त जगह है ये देखो। पहले आप वायर जो है लोहे की पूरी तरह से लगी हुई है, ये देखो दोनों साइड, ये देखो यहाँ से, और ये ब्रिज है आगे, इसीलिए जो है दो पिलर यहाँ बने हुए हैं। और ये देखो आप, ये ब्रिज मिलेगा आपको यहाँ से सामने तक क्रॉस करने के लिए। और इसके नीचे जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी, इसके नीचे नदी बह रही है। और ये नदी कौन सी है ये देखो, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। ये जो है ये नदी बह रही है, देखिए ये देखो ये नदी है, ये देखिए ये नदी है। देखिए नदी ऊपर से आ रही है इन पहाड़ों से, ये नदी इन पहाड़ों से आ रही है। और ये नदी जो है इसका नाम है पार्वती नदी है ये। और ये पार्वती नदी जो है, आप मणिकरण साहिब के लिए आओगे मणिकरण के लिए, तो आपको ये पार्वती नदी मिलेगी। ऐसा कुछ क्राउड है। और ये देखिए आप घर यहाँ मणिकरण में, ये पूरा जो है ये मणिकरण है। हम आगे भी जाएंगे, अंदर भी जाएंगे, यहाँ जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं। अंदर गर्म पानी होता है, उस गर्म पानी में वो कुदरत का ये करिश्मा है, गर्म पानी में आपको जो है चावल उबाले जाते हैं यहाँ। तो कुदरत का वो करिश्मा है, वो गर्म पानी अपने आप ही है, वो गर्म नहीं किया जाता। तो वहाँ भी देखेंगे कि कैसा है क्या है। और ये पार्वती नदी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और अगर आप ये देखोगे, इस तरह के फ्लैग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस साइड को ये नीचे बह रही है पार्वती नदी। ऐसा कुछ क्राउड। और ये देखो ये है पार्वती नदी। देखिए पानी, देखिए बहाव, देखिए इस पानी बहाव कितना ज़्यादा है। ये देखिए ये पूरा मणिकरण साहिब है, आप देख सकते हैं। देख एकदम ज़बरदस्त पॉइंट है ये। और ये देखिए ऊपर पेड़, देखिए कितने मस्त लग रहे हैं ये। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है और ये लोकेशन कैसी लग रही है आपको वीडियो में। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे। यहाँ ये दूसरी साइड भी आपको ब्रिज के यही रोप मिलेंगी। और ये आगे मार्केट है, साइड भी हम जाएंगे। यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देखो ये ब्रिज है क्रॉस करने के लिए, वहाँ से यहाँ तक। ये देखो यहाँ से आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा। और अब हम चलेंगे मार्केट में। ये है मणिकरण साहिब की मार्केट। तो चलिए मार्केट में चलेंगे अभी। ये मार्केट है यहाँ की, ये देखो
ऐसी कुछ शॉप्स आपको अंदर मिलेंगी। ये गाइस, आपने कसोल का नाम सुना होगा, कसोल विलेज, कसोल विलेज भी आपको यही मिलेगा मणिकर्ण साहिब के साथ में ही। तो देखते हैं, अगर वहाँ जाने का हमें टाइम रहेगा तो वहाँ भी जाएंगे, तो ब्लॉग मिस मत करना कोई भी। और ऐसी कुछ शॉप्स आपको यहाँ मिलेगी मणिकर्ण साहिब में। ये देखिए आप, ये पूरी मार्केट है। ये देखिए आगे, ये ऊपर ऐसे इस तरह से यहाँ बिल्डिंग, ये देखो, और इस तरह से ये मार्केट, ये देखिए हिमाचली ट्रेडिशन कैप, ये देखो, ये शॉप्स हैं। ऐसी कुछ मार्केट आपको मणिकर्ण में मिलेगी देखने के लिए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की मोबाइल शॉप्स और क्लोथ्स की शॉप्स। चलिए, ये पहला हमें खूबसूरत सा मंदिर मिला है लकड़ी का। ये देखिए लकड़ी का है, ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है ये। ये देखिए, ये मार्केट मणिकर्ण साहिब की, ये देख सकते हैं आप, ऐसी कुछ मार्केट है यहाँ। ये अंदर आके आपको थोड़ा सा खुला मिलेगा यहाँ एरिया, यहाँ आपको खुला मिलेगा, बाहर जो था थोड़ा कंजस्टेड एरिया है, यहाँ आपको खुला मिलेगा। ये देखिए यहाँ आपको, चलिए सबसे पहले मुझे ये यहाँ दिखाई दिया, ये देखिए ओम शिव शक्ति धर्मशाला राम मंदिर मणिकर्ण। ये तो यहाँ क्या है, ये यहाँ इस तरह की यानी कि धर्मशाला है, यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। अगर यहाँ आप आते हैं, जगह मिलती है आपको, तो यहाँ आप स्टे कर सकते हैं। धर्मशाला का मतलब है कि आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। तो ये यहाँ धर्मशाला है। और अगर मैं आपको इस साइड ये दिखाऊं, तो जो चावल उबलते हैं गर्म पानी में, अपने आप जो गर्म पानी यहाँ निकलता है, वो इस साइड है यहाँ आगे, तो हम वहाँ भी आगे चलेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे, ये देखो, ये है प्राचीन श्री राम मंदिर, ज़बरदस्त एकदम। ये देखो आप लोकेशन, देखो पहले आप, ये ऐसे पहाड़, और ये देखे गेट कितना सुंदर है, देखिए आप। चलिए चलते हैं अंदर अब। जय श्री राम। चलिए चलते हैं, चलते हैं आगे, पौड़ियाँ चढ़ते हैं, और ये आपको ऐसा कुछ मिलेगा यहाँ राम मंदिर। ये एकदम ज़बरदस्त मुझे दिखाई दे रहा है प्राचीन श्री राम मंदिर सामने एकदम। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देखिए ऑफिस, कुछ भी इंक्वायरी करना चाहते हैं कर सकते हैं आप यहाँ। और सूचना धर्मशाला के लिए, और ये है जूता घर, यहाँ आप अपने शू उतारेंगे। और ये देखिए बस किस में सारनी भी आपको यहाँ मिलेगी। बहुत सारे ड्राइवर जो होते हैं बस में जो है यात्रा करते हैं, तो उनके लिए यहाँ काफ़ी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ बनाई गई है। देखिए हर, तो वीडियो में से आप ज़रूर यहाँ देख सकते हैं कौन कौन सी बसेज आपको कहाँ के लिए मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले अपने शूज़ यहाँ उतारते हैं, स्लीपर है मेरे पास। तो गाइस पहले तो मैं आपको ये बाहर से दिखाता हूँ, यहाँ राम मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मन की शांति आपको यहाँ जो है मिलेगी। तो ये ऐसा कुछ यहाँ से आपको दृश्य मिलेगा देखने का, सामने आपको ऊपर मिलेंगे पहाड़, और पहाड़ों के साथ आपको मिलेगा ये प्राचीन राम मंदिर, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए ये सारी आपको साथ में धर्मशाला, ये सराएं, इस तरह के आपको ये मिलेंगी।
तो अभी तो बाहर से कैप्चर कर रहा हूँ मैं, अंदर भी ज़रूर जाएंगे इसके और देखेंगे कि अंदर से ये किस तरह का दिखाई देता है। तो चलिए पहले चलते हैं इस राम मंदिर के अंदर, देखते हैं। ये देखो गाइस, ये आपको यहाँ ऐसा राम मंदिर मिलेगा, सिल्वर कलर, काफ़ी खूबसूरत। ये देखो एकदम ज़बरदस्त, जय श्री राम। ये ऐसा कुछ अंदर से है। अभी यहाँ आपको मिल जाएगा मणिकर्ण महादेव का मंदिर, जय भोलेनाथ। यहाँ आपको ये शिवलिंग मिलेंगे, जय श्री महादेव। तो यहाँ पास ओम गंधम द्वारा दुर्दरेखाम नित्य सर्वभूतानाम तामि हिम श्रीयाम हो ओम अकाल मृत्यु हरणम श्री पतितं विद्यते महारुद्राय नमो नमः। खालो जी, चलिए अब चलते हैं इस खूबसूरत मंदिर में। ये देखिए, ये आपको पहले यहाँ मिलेगी फुलवारी, और ये देखिए मंदिर देखिए आप पहले, क्या खूबसूरत जो है कला है जिसने भी इसको बनाया है। देखिए आप एकदम ज़बरदस्त, देखिए किस तरह की जो है नक्काशी और कलाकृति इसके ऊपर हुई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये देखो आप, ये आप देख सकते हैं, ये हनुमान जी की प्रतिमा आपको यहाँ मिलेगी। ये देखिए, ये लंगर हॉल के लिए ये रास्ता जाता है, और यहाँ जो है ये देखिए आपको राम कुंड और सीता कुंड यहाँ मिलेंगे। सीता कुंड यहाँ जो है फीमेल लेडीज़ जो हैं वो जो हैं यहाँ नहा सकती हैं, उनके लिए जो है सीता कुंड यहाँ, और उसके आगे आपको मिलेगा राम कुंड। तो राम कुंड जो है पुरुषों के लिए, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है जेंट्स। तो चलिए मैं आपको राम कुंड का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, क्या है कैसा है अंदर से। ये देखिए ये नज़ारा आपको यहाँ मिलेगा, ये देखिए यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कुंड में ज़्यादा देर नहाने से चक्कर आ जाते हैं, ये देखिए कुंड में छलांग ना लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें। ये देखिए पानी ये ऊपर से आ रहा है यहाँ मैं, और यहाँ जो है आप कुंड में जाकर भी नहा सकते हैं, पानी की यहाँ आवाज़ है काफ़ी, तो शायद आपको वीडियो में कैसी आवाज़ आएगी। और साथ में जो है ये मग यहाँ रखा हुआ है, आप मग से भी नहा सकते हैं अगर आप कुंड में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये देखो आप, ये यहाँ से पाइप लगी है और ये पानी यहाँ ये आ रहा है इसके अंदर। तो ओ गाइस, और ये बिल्कुल गर्म पानी है, बिल्कुल गर्म पानी है, एकदम से गर्म पानी है, ठंडा पानी नहीं है। जैसे आप अपने घरों में गर्म पानी करके नहाते हैं या फिर गीज़र का पानी, गीज़र यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल, और ये बिल्कुल अच्छा जल है जिसको कह सकते हैं गर्म पानी। तो यहाँ जो है ऐसा कुछ नज़ारा है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, गर्म पानी है बिल्कुल, ये देखो ऊपर से ये पानी आ रहा है, और यहाँ जो है लोग ऐसे जो हैं मग लेकर नहा रहे हैं। ये देखिए ये नहा के आ गए हैं, और पूरा ऊपर ये देखिए ऊपर से पानी, ये पानी भी गर्म आ रहा है ऊपर से, अच्छा गर्म ये आ रहा है।
तो ये पानी ऊपर से ठंडा आ रहा है, जो ऊपर से आ रहा है गर्म, मैं आपको दिखाता हूँ गर्म ये आ रहा है यहाँ, ये एक पाइप है और वहाँ दूसरी साइड दूसरी पाइप है, तो ये जो है ये ठंडा पानी है। तो इस तरह से जो है यहाँ लोग नहाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो गाइस चलिए लंगर की तरफ चलते हैं और देखते हैं टाइमिंग क्या है लंगर की। ये लंगर हॉल है। जय श्री राम लंगर हॉल। और ये लंगर की टाइमिंग गर्मियों की और सर्दियों की, देखिए चाय भी यहाँ मिलती है, चाय का भी टाइम है। जय श्री राम। चलिए अंदर चलते हैं, क्राउड इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ये सारा जो है लंगर हॉल है, ये देख सकते हैं आप, ये लंगर हॉल है, तो क्राउड ज़्यादा नहीं मिलेगा। आजकल 3:30 बजे तक या 4:30 बजे तक है? 4 बजे तक है। अच्छा ठीक है। सर्दियों और गर्मियों का टाइम जो है अलग अलग है, तो क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत कम लोग मिलेंगे यहाँ लंगर में। ये एरिया है यहाँ लंगर का, आप देख सकते हैं। तो गाइस यही कुछ था एरिया, ये इनका यहाँ खाना बनाने का और ये हॉल। तो यहाँ अगर आप आएँ मणिकर्ण साहिब में, तो यहाँ जो है लंगर लेकर आप ज़रूर जाएँ।